ये पांच लक्षण बताते हैं कि आपकी भक्ति सही दिशा में है। मित्र, यह संसार दुख का समुद्र है। संसार का हर वस्तु, स्थिति और इंसान नकली है। हर आत्मा इस संसार में पढ़कर दुख पा रहे हैं, पर हरि की दया से किसी किसी को हरि भक्ति प्राप्त होती है और वो संसार से पार होने लगता है। कई बार साधक भक्ति में त्रुटियां करने लगते हैं, जिसकी वजह से उनका मार्ग गलत दिशा की ओर मुड़ जाता है। इसलिए बीच बीच में अपने भक्ति को परखते रहना चाहिए। आज कुछ पांच लक्षणों से जानेंगे कि आपकी भक्ति किस दिशा में है। अगर ये लक्षण आप में दिख जाए तो आप समझ जाओ कि आपकी भक्ति सही दिशा में है। और पहला है नाम जप के प्रति श्रद्धा बढ़ना। तो नाम जप एक अति उच्च स्तरीय साधना है, जिस पर 99% लोग विश्वास नहीं कर पाते। पर अगर आप भक्ति कर रहे हैं और आपको हरि नाम में श्रद्धा विकसित होने लगी है, तो आप भक्ति में सही जा रहे हैं। नाम जप का रहस्य कोई कोई ही जान पाता है और ये उसी के सामने उजागर होती है जो ईमानदार हो। इसलिए हरि नाम का जप करते रहना चाहिए। और दूसरा है जीने की इच्छा कम होते जाना। तो संसारी लोग दीर्घायु होना चाहते हैं, क्योंकि वो संसार को ज्यादा से ज्यादा भोगना चाहते हैं। इसलिए साइंटिस्ट लोग अमरता के पीछे हाथ मुंह धोके पड़े हैं। पर अगर आपको भक्ति करने की वजह से लंबा जीने की इच्छा कम हो रही है, तो आपकी भक्ति सही दिशा में है। जीने की इच्छा कम होने का मतलब आत्महत्या नहीं है। जीने की इच्छा कम होने का मतलब है हमारे भोगने की इच्छा नष्ट होना। साधक जन जो हरि भक्ति करते हैं, वे इस बेकार संसार में नहीं जीना चाहते। वे नाम जप करके धाम जाके प्रभु के साथ रहना चाहते हैं। इसी को कहते हैं जीने की इच्छा कम होना। और तीसरा है हर चीज में हार मिलना। मित्रों, भक्तों के साथ ऐसा आरंभ में होता है कि साधक जन भक्ति तो कर रहे होते हैं, पर अपने भौतिक इच्छाओं की वजह से वे यहाँ वहाँ झंडे गाड़ने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। पर वे जहाँ भी जाएं, जो भी काम करें, पर उनको केवल फेलियर ही मिलने लगता है। इससे साधक जन बहुत निराश होने लगते हैं। अगर ये आपके साथ भी हो रहा है, तो आप समझ जाओ कि आपकी भक्ति सही दिशा में है। भौतिक इच्छा की वजह से साधक संसार पर विजय प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहता है, जो उसके बंधन का कारण बन रहा होता है। इसी को देखकर श्री हरि उसको हर काम में हार प्रदान करते हैं और साधक प्रभुत्व जताने की कामना से मुक्त होने लगता है। ऐसा उसका उद्धार होने लगता है। और चौथा है लोगों से निंदा और तकलीफें मिलना। मित्रों, हर व्यक्ति संसार के झूठे और धोखेबाज लोगों को अपना मानता है और उनकी खुशी के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहा होता है, क्योंकि वो संसार से अपने को आइडेंटिफाई करता है। पर जब व्यक्ति भक्ति करने लगता है, तो लोग उसकी निंदा करने लगते हैं और उसे तकलीफें देने लगते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा है, तो आप समझ जाओ कि आपकी भक्ति सही दिशा में है। जब साधक को लोगों से निंदा और तकलीफें मिलने लगती हैं, तो साधक प्रभु की तरफ भागता है और उनके शरण ग्रहण करता है। ऐसे साधक संसार पारायण से प्रभु पारायण होने लगता है। क्या आपके साथ भी ऐसा है? कमेंट अवश्य कीजिए। और पांचवा है प्रभु ही जीवन की उम्मीद है ऐसा लगना। मित्रों, अगर आपको ऐसा लगने लगा है कि मेरे करने से कुछ नहीं होगा, मैं हार गया, मैं पतित हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, अब तो केवल प्रभु ही जीवन की उम्मीद है, तो आपकी भक्ति सही दिशा में है। आरंभ में साधक के पास मिथ्या अहंकार होता है कर्ता की भावना का। इसलिए वो सोचता है कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं खुद भक्ति करके धाम चला जाऊंगा। पर भक्ति करने की वजह से मिथ्या अहंकार टूटता है, तो उसे समझ में आता है कि श्री हरि की कृपा से ही सब कुछ होता है। तो वो भगवान का आश्रय ग्रहण करता है और दीन पूर्वक प्रार्थना करने लगता है। इसके बाद स्वयं प्रभु उसके जीवन के रथ के सारथी बन जाते हैं। ऐसे मित्रों, ये पांच ऐसे लक्षण हैं जिससे आप अपने भक्ति को नाप सकते हैं। हालांकि भक्ति सही दिशा में है या नहीं, इसके बहुत सारे लक्षण होते हैं, पर सारे लक्षणों पर बात करना पॉसिबल ही नहीं है। आप बस अपने सांसारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए प्रभु पर आश्रित होकर भक्ति करते रहें, ये हमारा धर्म और कर्तव्य है। तो आज के लिए बस इतना ही। हरे कृष्ण।